जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज से हम शुरुआत करते हैं 12th क्लास का मानव जनन अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव जनन तंत्र के बारे में। तो देखते हैं मानव जनन तंत्र क्या है। मानव जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं मानव जनन जो तंत्र है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक आपका है नर जनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है मादा जनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मानव जनन तंत्र है इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जब कोई भी वर्ग या कोई भी कार्य एक सिस्टम में और क्रम से चलता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम या तंत्र कहते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल में कुछ बच्चे हैं, अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, मैनेजर है, प्रिंसिपल है और स्कूल के कुछ वर्कर हैं। तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल है उसमें सभी जो वर्कर हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं और जो प्रिंसिपल है, मैनेजर है। तो वहाँ हम देखते हैं कि जो स्कूल चल रहा है तो उसमें सारे जो वर्कर हैं, स्टाफ है प्लस प्रिंसिपल और मैनेजर है, वह एक सिस्टम में कार्य करते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी, जब हम बोलते हैं कि मानव जनन तंत्र, तो मानव जनन तंत्र में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जब वह एक सिस्टम में कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मानव जनन तंत्र। अगर वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम मादा जनन तंत्र। अगर वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सिस्टम में काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी आधार पर मानव जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट से आपका नर जनन तंत्र, जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा है मादा जनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों लेते हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो जो मेल जो होता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो प्राथमिक और सहायक जो जनन अंग होते हैं वह जब आपस में मिलके एक कोऑर्डिनेट करके जब वह एक सिस्टम में कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं नर जनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें नर में प्राथमिक जननांग तथा सहायक जननांग मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जो नर जनन तंत्र होता है इसका निर्माण दो प्रकार के ऑर्गन्स का सिस्टम में कार्य करने से निर्माण होता है। पहले कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जिसमें आता है प्राथमिक जननांग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शामिल होते हैं, और दूसरे होते हैं सहायक जननांग जिन्हें हम बोलते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग दोनों ही मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं नर जनन तंत्र। और प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं और ये अंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये सारे अंग जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेल्विस रीजन में। तो जो वुमन्स बॉडी है, मानव शरीर है, उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सिर। इससे नीचे चले हैं जो पसलियां मिलती हैं जिसको हम छाती कहते हैं उसको बोलते हैं हम बच्छ, और छाती से जस्ट नीचे जो पेट वाला हिस्सा होता है
इसको हम बोलते हैं उदर। तो हमारी जो बॉडी है दोस्तों तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, सिर, बच्छ, उदर, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन। तो जो आपका एब्डोमिन पार्ट है, एब्डोमिन पार्ट में जो नेवल एरिया होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नेवल एरिया या तुंड, इसके जस्ट नीचे चलें तो जो नीचे वाला भाग होता है नेवल एरिया से, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पेल्विस रीजन। तो मैंने आपको पेल्विस रीजन की पोजीशन बताई कि हमारी जो बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन, और एब्डोमिन में भी जो नेवल एरिया होता है, नेवल एरिया से और नीचे चलें तो उस पार्ट्स को हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। और पेल्विस रीजन में जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक जननांग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राथमिक जननांग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या शामिल होता है देखते हैं दोस्तों। तो इसमें शामिल होता है वन पेयर टेस्टिस। तो जो मानव के अंदर जो नर जनन तंत्र है उसमें जो प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग जिसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, उसमें वन पेयर टेस्टिस होती हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं जो कि स्थित होते हैं। और सहायक जननांग है जिसको हम बोलते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सहायक जननांग उसमें क्या क्या शामिल होता है देखते हैं दोस्तों। एक होता है आपका स्क्रोटल सैक, दूसरा होता है आपका एपिडिडाइमस, तीसरा होता है आपका वास डिफरेंस, चौथा होता है आपका सेमिनल वेसिकल, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम कह सकते हैं स्क्रोटल जो होता है, स्क्रोटल सैक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्रशन कोश। एपिडिडाइमिस, इसको हम बोलते हैं अधिब्रशन। और जो आपका वास डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। सेमिनल वेसिकल को हम कहते हैं शुक्राशय। पेनिस को हम कहते हैं शिश्न। प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं और कॉपर्स ग्लैंड को कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि जो नर जनन तंत्र है जो दो प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना है, प्राथमिक और सहायक। प्राथमिक जननांग में आपकी टेस्टिस आती हैं और सहायक जननांग में आता है आपका वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमस है, सेमिनल वेसिकल है, इजेकुलेटरी डक्ट है, पेनिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों डायग्राम के माध्यम से या चित्र के माध्यम से नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये मैंने बनाया है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मूत्राशय। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किडनी होती है हमारी लेफ्ट और राइट, इन किडनियों से जो नली हैं वह आके ओपन होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह जो नली है ये किडनी से आ रही है, ये वाली जो नली है यह भी किडनी से आ रही है। और किडनी से आने के बाद जिस जगह में ये ओपन हो रही है, जिस पात्र में यह ओपन हो रही है, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो कौन सी नली आती है किडनी से? ये आती है यूरेटर। यूरेटर नली होती हैं, एक तो लेफ्ट किडनी से आएगी और दूसरी आपकी राइट किडनी से आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर दो नली दिखाई है आपको डायग्राम में। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर जो नली है वो ओपन होती हैं और ये यूरेटर नली जो है ये आपकी किडनियों से आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं। और यहाँ पर जो है यूरिन कलेक्ट होता है, जिसको हम मूत्र कहते हैं हिंदी में। अब आप इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखोगे कि मैंने रेड मार्कर से यहाँ पर डैश डैश करके कुछ लाइनें दिखाई हैं। तो वो लाइनें किसकी हैं? वह मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं दोस्तों? डेट्रूसर मसल्स होती हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की अंदर की दीवार में पाई जाती हैं। और डेट्रूसर मसल्स जो हैं
इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इतना तनाव होता है कि जो यूरिनरी बैडर है इसमें मैक्सिमम 800 ml जो है मूत्र या पेशाब कलेक्ट हो सकता है। तो ये आता कहाँ से, ये मैंने आपको बताया कि यूरेटर जो है वो ओपन होती है यूरिनरी बैडर में, और यूटर जो नली है ये किडनी से आती है, तो किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसमें जो मूत्र बनता है वो आके यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, और डेट्रूस मसल्स जो होती है इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ा सकती हैं और घटा सकती हैं, और मैक्सिमम 800 ml जो है डेट्रूस मसल्स, 800 ml जो यूरिन है उसके कलेक्ट करने के बाद उसके प्रेशर को सहन कर सकती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे अब एक रास्ता दिखाई दे रहा है, तो अब इस रास्ते को कहते हैं दोस्तों यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं, और ये यूरेथ्रा जो रास्ता है ये पेनिस के अंदर पाया जाता है, और पेनिस को हम शिश्न कहते हैं। तो जो यूरेथ्रा है ये जो है यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और निकल के पेनिस में एंटर कर जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशाब या यूरिन होती है वह यूरेथ्रा के रास्ते आगे चलती है, और जहाँ पर मीटर्स पोर है यहाँ पर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पेनिस के अंदर पाए जाते हैं। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, और दो स्फिंक्टर यहाँ पर भी लगे रहते हैं, स्फिंक्टर यहाँ पर भी मिलते हैं जो यूरिनरी बैडर और यूरेथ्रा के बीच में पाए जाते हैं। जब यहाँ से स्फिंक्टर ओपन होते हैं तो जो यूरिन है वह यहाँ से निकल के यूरेथ्रा में प्रवेश कर जाता है, और यूरेथ्रा से जो यूरिन है वह यूरेथ्रा के रास्ते या मूत्र मार्ग के रास्ते आगे चलता है, और यहाँ पर जो स्फिंक्टर मिलते हैं पेनिस में ये यहाँ से ओपन हो जाते हैं, और जो यूरिन है वह मीटर्स पोर द्वारा आउट हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यूरेटर जो नली है इनसे जो यूरिन है वह कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरेथ्रा है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, इसके और यूरेथ्रा के बीच में स्फिंक्टर पाए जाते हैं। यह स्फिंक्टर ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, और ब्रेन इनको ओपन कर देता है जब जब यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र या यूरिन कलेक्ट होता है, उसके प्रेशर के बाद ब्रेन इन स्फिंक्टरों को ओपन कर देता है, और स्फिंक्टर ओपन होने के बाद जो यूरिन है वो यूरेथ्रा में प्रवेश कर जाती है, और यूरेथ्रा और यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग से होते हुए आगे पहुंचती है। जब यूरिन यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है तो ये स्फिंक्टर भी यहाँ से ओपन हो जाते हैं, और स्फिंक्टर ओपन होने के बाद मीटर्स पोर के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि जो यूरिन है वह कहाँ से आता है, कहाँ कलेक्ट होता है, और किस मार्ग से बाहर आउट होता है। अब दोस्तों समझते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको समझते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह टेस्टिस है, और टेस्टिस जो है एक पाउच से कवरिंग रहती है। आप देख पा रहे हैं कि जो टेस्टिस है एक पाउच से कवरिंग है जो कि यहाँ मैंने दिखाई है, और इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस पाउच को क्या कहते हैं दोस्तों, हम इस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कुछ नहीं, जैसे हमारी स्किन की स्किन जो होती है स्किन के कलर जैसी एक स्किन या त्वचा है जो कि टेस्टिस को कवर करती है। तो आपने देखा यहाँ कि टेस्टिस जो है जिस पाउच से या जिस परत से कवर है उस परत को हम स्क्रोटम कहते हैं, और स्क्रोटम के अंदर चलें तो स्क्रोटम के जस्ट अंदर आपको टेस्टिस प्रेजेंट मिलेगी, टेस्टिस उपस्थित होती है, और टेस्टिस स्क्रोटम की जो त्वचा है या जो लेयर है या आवरण है इससे टेस्टिस अटैच रहती है। अटैच किससे रहती है टेस्टिस, स्क्रोटम से। तो टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच रहती है, किसके द्वारा अटैच रहती है दोस्तों, ये अटैच रहती है गुबर्निकुलम द्वारा। तो गुबर्निकुलम द्वारा टेस्टिस जो है स्क्रोटम की पाउच में पैक रहती है,
अटैच रहती है। अब आप दोस्तों देख रहे होंगे कि टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में कुछ खाली जगह है, यह खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं इनगुइनल कैनाल या इनगुइनल कैनाल विद स्पर्मिकॉइड। यहां पर क्या होता है, इस इनगुइनल कैनाल से टेस्टिस के अंदर तीन चीजों का एंटर होना है। कौन कौन एंटर करता है यहां से, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है देखते हैं इनगुइनल कैनाल में। तो इनगुइनल कैनाल में लिम्फ वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में जो खाली स्पेस है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में जो आपको जो डायमीटर में आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको खाली स्पेस दिखाई देगा। और इस खाली स्पेस में तीन चीज़ें एंटर करती हैं, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ से इनगुइनल कैनाल से एंटर करते हुए टेस्टिस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों कहाँ एंटर कर जाते हैं, टेस्टिस के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमने देखा कि टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में जो खाली स्पेस मिलता है उसे इनगुइनल कैनाल कहते हैं। और इनगुइनल कैनाल में तीन चीज़ें उपस्थित होती हैं, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर। नर्व फाइबर जो होते हैं वो हमारे टेस्टिस में सेंस को पहुंचाते हैं। जैसे मान लो मैं अपनी त्वचा को टच करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मुझे किसी ने टच किया है। या जैसे गर्म लगना, ठंडा लगना, जब सर्दी पड़ती है तो मेरी त्वचा ठंड का महसूस करती है, जब गर्मी पड़ती है तो मेरी त्वचा गर्मी का महसूस करती है। तो ये सारा सेंस किस सेल्स के या किस टिश्यू के द्वारा आता है, तो नर्व फाइबर जो है वह इस सेंस को टेस्टिस के अंदर भेजता है। और ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स में भी दो टाइप की वेसल्स होती हैं, एक तो होती है आपकी आर्टरी और दूसरी होती है आपकी वेन्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शिरा और धमनी। शिरा और धमनी है यह भी टेस्टिस के अंदर एंटर करती हैं, जो कि ब्लड की सप्लाई को पहुंचाती हैं, वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती हैं और CO2 वाला ब्लड लेके आती हैं। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा होती है। अब पाई जाती हैं आपकी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का क्या काम होता है, एक तो इनका काम होता है WBC बनाना, क्योंकि इस लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और दूसरा काम होता है इसका कि जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है 10%, उसको टेस्टिस से बाहर निकालना। तो हमने देखा कि इनगुइनल कैनाल में लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर टेस्टिस को सेंस प्रोवाइड कराते हैं, सेंस को पहुंचाते हैं, जो भी सेंस होता है टचिंग का। और ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती हैं और CO2 वाला ब्लड वहां से वापस लाती हैं। और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं 10% जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको टेस्टिस के अंदर से खींच के लाती हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस ओपन होती है, किस में ओपन होती है दोस्तों, तो एपिडर्मस में टेस्टिस ओपन होती है। आप यहां देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है एपिडर्मस में ओपन हो रही है। और एपिडर्मस जो है ये हाईली कॉइल्ड नली होती है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। तो इसको हम कह सकते हैं हिंदी में कि सबसे अधिक कुंडलित नलिका है एपिडर्मस, सबसे अधिक कुंडलित नलिका है एपिडर्मस। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। तो जो एपिडर्मस है इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लेंथ होती है, सबसे लंबी नली है एपिडर्मस। और एपिडर्मस ओपन होती है वास डिफरेंस में। तो दोस्तों एपिडर्मस किस में ओपन होती है, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस जो नली है, ये जो यूरेटर नली होती है जो किडनी से आ रही है, इसके पीछे से घूम के फंदा बना के आगे निकलती है और सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि टेस्टिस ओपन होती है एपिडर्मस में, एपिडर्मस ओपन होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस जो यूरेटर नली है उसके पीछे से फंदा बनाते हुए सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। और अब दोस्तों आप आगे देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल जो है यह ओपन होती है इजेकुलेटरी डक्ट में, और इजेकुलेटरी जो डक्ट है यह ओपन होती है यूरेथ्रा में।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां मैंने एक टेस्टिस दिखाई है, परंतु मेल के अंदर जो दो टेस्टिस पाई जाती हैं उसको हम डायग्राम पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक टेस्टिस तो इधर हो गई, एक टेस्टिस उधर होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। परंतु हम कह सकते हैं कि टेस्टिस संख्या में दो होती हैं और जोड़े में वन पेयर पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मानव जनन तंत्र है, इसमें जो टेस्टिस होती हैं वह स्क्रोटम पाउच में पैक रहती हैं, परंतु ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन, सिर, बच्छ, उदर। तो जो एब्डोमिन या उदर वाला पार्ट है उसमें नेवल एरिया से नीचे चले तो उसे पेल्विस रीजन कहते हैं, और पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और पेल्विस रीजन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, तो वहां पर जो टेस्टिस होती हैं वो पेल्विस रीजन के अंदर उपस्थित नहीं होती, वह बाहर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिस हैं एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की तरफ उपस्थित होती हैं, अंदर उपस्थित नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टेस्टिस जो है ये स्पर्म का निर्माण करती हैं, क्योंकि टेस्टिस जो है इसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है और एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है, इसे निर्माण करने के लिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, परंतु जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो हमारा स्क्रोटम है यह बॉडी टेम्परेचर को, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो स्क्रोटम है और ये पाउच जो है यह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, तो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी टेम्परेचर की अपेक्षा कम रखती है। मान लो कि जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो टेस्टिस या स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर रहेगा आपका लगभग 34.5 या 35.5 या 35 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर होगा 37, तो इससे 2.5 या 2 डिग्री सेल्सियस कम करोगे 35 या 34.5 आएगा 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो टेस्टिस में आसानी से बनेंगे, जिसकी वजह से टेस्टिस में स्पर्म आसानी से बनेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ टेस्टिस बनने, जो टेस्टिस है टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद जो है स्पर्म आगे एंटर करते हैं एपिडर्मिस में। तो हमने दोस्तों समझा कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है। इस वजह से बाहर है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है तो इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म आसानी से बनते हैं। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के बाद ये स्पर्म आउट होके पहुंचते हैं एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से स्पर्म आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ये स्पर्म वास डिफरेंस में पहुंचते हैं, और वास डिफरेंस से होते हुए ये स्पर्म पहुंचते हैं सेमिनल वेसिकल में। अब सेमिनल वेसिकल में जब स्पर्म एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल से ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल से ग्लैंड है या ग्रंथि है, यह इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकालती है, एक चिपचिपा पदार्थ निकालती है जो कि स्पर्म के साथ मिल जाता है, और स्पर्म के साथ मिलके ये सीमेन का निर्माण करने में सहायक होता है, वीर्य का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके बाद जो स्पर्म है यहां से आगे चलते हैं और आगे स्पर्म पहुंचते हैं एजेकुलेटरी डक्ट में, और एजेकुलेटरी डक्ट से स्पर्म आगे चलते हैं और फिर यह एंटर कर जाते हैं यूरेथ्रा में। तो दोस्तों आपने देखा कि टेस्टिस से स्पर्म निकले, एपिडर्मिस में एंटर किए, एपिडर्मिस में प्रवेश करने के बाद स्पर्म वास डिफरेंस में एंटर किए, और वास डिफरेंस में स्पर्म एंटर करने के बाद यह सेमिनल वेसिकल में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं,
और सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वह अपने अंदर से स्राव करती है, सिक्रीशन करती है एक जेली जैसे पदार्थ का, और जब स्पर्म के साथ यह मिल जाता है तो यहां पर निर्माण होता है सीमेन का या वीर्य का। इसके बाद स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा यूरेथ्रा में पहुंचते हैं। अब यूरेथ्रा में आप दोस्तों देखेंगे कि यूरेथ्रा में दो ग्लैंड पाई जाती हैं। एक तो आपको ये ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरी इसी रास्ते में यूरेथ्रा के रास्ते में या मूत्र मार्ग के रास्ते में दूसरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह अपने अंदर से जो स्राव है सिक्रीशन करती है क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी एक क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जब यह एक पदार्थ का सिक्रीशन करती है वह इस पदार्थ का कलर होता है मिल्की, दूध जैसा कलर होता है, मिल्की कलर का सब्सटेंस सिक्रीट करती है। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है यह हल्के पीले रंग का सब्सटेंस सिक्रीट करती है। ये दोनों क्या करती हैं कि यह जब यह पदार्थ का सिक्रीशन करती है तो मान लो कि अगर किसी का यूरिन अगर एसिडिक है और यह क्षारी पदार्थ का सिक्रीशन करती है तो क्या होगा कि जब यूरिन इस रास्ते से गुजरेगा तो रास्ता यूरेथ्रा रास्ता जो है वह अम्लीय हो जाएगा। परंतु जब ये दोनों ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रल ग्लैंड जब क्षारी पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं तो इससे क्या होता है कि क्षार जो होता है वो अम्लता को उदासीन करके रास्ते को उदासीन या न्यूट्रल कर देता है जिससे स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्पर्म यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट से जब यूरेथ्रा में एंटर करते हैं तो यूरेथ्रा में एंटर करने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं, और इसके बाद स्पर्म आगे चलते हैं यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से स्पर्म आगे चलते हैं और यहाँ स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर जो है यहाँ से ओपन हो जाते हैं और मीटोस्पोर द्वारा जो स्पर्म है वह आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यह जो सिक्रीशन करती हैं इनका जो सिक्रीशन या जेली जैसा पदार्थ है वो भी स्पर्म के साथ मिल जाता है और मिलकर सीमेन या वीर्य का निर्माण करता है, और यहाँ पर 100% वीर्य का निर्माण हो जाता है क्योंकि ये 60% वीर्य का निर्माण करता है अपना सिक्रीशन करके, और यहाँ पर जो बचा हुआ 40% है वो यहाँ पर दोनों ग्लैंड सिक्रीट करके अपने केमिकल को मिला के सीमेन का निर्माण कर देती हैं। अब आप पेनिस में देखोगे कि पेनिस में आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो पेनिस में और क्या है दोस्तों, पेनिस में प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड है। और पेनिस में आगे देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्पस कैवर्नोसम पाया जाता है। कार्पस कैवर्नोसम क्या होता है कि पेनिस के अंदर एक जो आर्टरी और वेन्स होती हैं इनका एक गट्ठर होता है, बंडल होता है जो कि कार्पस कैवर्नोसम में पाया जाता है, इन्हें हम हिंदी में कोटर भी कहते हैं। तो कार्पस कैवर्नोसम जो है इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, पूरा जो पेनिस होता है उसमें कार्पस कैवर्नोसम पाया जाता है। और कार्पस कैवर्नोसम किसको बोलते हैं, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके गट्ठर को हम कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो है यहां पर इनका अधिक मात्रा में प्रेजेंट टीशन जो है वह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि जब पेनिस नॉर्मल अवस्था में होता है तो यहां पर ब्लड की सप्लाई जो होती है कार्पस कैवर्नोसम में वह कम होती है। जैसे ही मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेनिस है इसमें इरेक्शन होता है तो क्या होता है, उत्तेजन अवस्था पैदा होती है, और उत्तेजन अवस्था से क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वह हार्मोन्स ब्लड की सप्लाई को जो कार्पस कैवर्नोसम है यहां पर ज्यादा कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। जब यहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ती है पेनिस की जो आर्टरी और वेन्स हैं इनकी पाइप में जब ब्लड की सप्लाई बढ़ती है तो ब्लड की वजह से यहां पर जो नसें हैं आर्टरी और वेन्स जो नसें हैं वो एकदम टाइटली हो जाती हैं, एकदम हार्डनेस आ जाती है उनमें, और उस हार्डनेस की वजह से जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है। तो दोस्तों हमने समझा कि पेनिस जो है इसके अंदर जो तनाव आता है ये तनाव किसकी वजह से आता है, ये आता है अधिक मात्रा में कार्पस कैवर्नोसम की जो आर्टरी और वेन्स हैं उसमें अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है जिससे जो पाइप होती है आर्टरी और वेन्स की जो धमनी और सिराएं होती हैं उनमें टाइटपन आ जाता है,
उनमें हार्डनेस आ जाती है, और हार्डनेस की वजह से ही जो आपका पेनिस है वह इरेक्ट हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है। इसके साथ साथ हम देखें कि पेनिस जो है इस पर एक और पार्ट्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, आगे वाले पार्ट्स को देखें जो आप यहां देख रहे हैं कि जो फूला हुआ भाग है, तो पेनिस में सबसे आगे का जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को या स्वेल्ड पार्ट को हम बोलते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस। तो पेनिस का जो आगे का फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको ग्लांस ऑफ पेनिस कहते हैं। और इस पर एक बहुत पतली एक थिन लेयर की कवरिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोर स्किन कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं जिसको। तो दोस्तों आपने देखा कि जो पेनिस है, पेनिस का जो अग्रभाग है, अग्रभाग स्वेल या फूला हुआ होता है या स्वेल्ड पार्ट होता है, इस फूले हुए भाग को हम ग्लांस ऑफ पेनिस कहते हैं। ग्लांस ऑफ पेनिस में आप देखोगे कि यहां पर एक पोर पाया जाता है जिसको हम मीटस कहते हैं। और हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोस्तों, एक बोन पाई जाती है जिसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाया और बताया है कि जो टेस्टिस है वह स्क्रोटम पाउच में पैक रहती हैं। टेस्टिस और स्क्रोटम पाउच के बीच में जो खाली जगह या स्पेस पाया जाता है उसको हम इनगुइनल कैनाल कहते हैं, और इस इनगुइनल कैनाल में लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ये तीनों जो नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स है, ये टेस्टिस के अंदर एंटर करती हैं। टेस्टिस जो है स्क्रोटम के द्वारा, जो स्क्रोटम से अटैच है वो अटैच किसके द्वारा होती है, गुबर्निकुलम के द्वारा। टेस्टिस के जो टेस्टिस है वह ओपन होती है एपिडाइमस में, और एपिडाइमस हाईली कॉइल्ड पार्ट लगभग 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, सबसे कुंडली तनलिका होती है एपिडाइमस, और इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और आगे देखें तो जो एपिडाइमस है वो ओपन होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस जो यूरेटर नली है जो किडनी से आ रही है इसके पीछे से फंदा बना के आती है और सेमेनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। सेमेनल वेसिकल जो है वह अपना सिक्रीशन करती है और स्पर्म में उस अपने सिक्रीशन को मिक्स कर देती है, जिससे यहाँ पर 60% सीमेन का निर्माण हो जाता है। जब ये सेमेनल वेसिकल से सीमेन आगे चलता है तो आगे यूरेथ्रा पहुँचता है। यूरेथ्रा में पहुंचते ही प्रोस्टेट ग्लैंड और पलवित्र ग्लैंड अपना सिक्रीशन कर देती हैं, और लगभग इनके द्वारा 60% जो पदार्थ सिक्रीट होता है उसके द्वारा 100% सीमेन का निर्माण हो जाता है या वीर्य का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप एक नली इधर से देख रहे हैं एक टेस्टिस की, ऐसा ही जो दूसरी नली मैंने बनाई है वो दूसरी टेस्टिस की होगी। अब इसके आगे चलें तो प्रोस्टेट पलवित्र ग्लैंड के बाद देखते हैं तो हमारा जो पेनिस है इसमें कार्पस कैवर्नोसम पाया जाता है। कार्पस कैवर्नोसम में बहुत बहुत सारी आर्टरी और वेंस होती हैं, ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है तो पेनिस जो है वह इरेक्ट हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है। आगे देखें तो जो सिस्न पेनिस जो है, पेनिस का जो अग्रभाग होता है वह फूला हुआ होता है, उसको हम ग्लांस ऑफ पेनिस कहते हैं, और अग्रभाग में स्फिंक्टर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ग्लांस ऑफ पेनिस है इसके ऊपर की जो बाहर की स्किन होती है बहुत थिन होती है, इस स्किन को हम फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं, और पेनिस में मीटर स्पोर पाया जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाया, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टेस्टिस के आंतरिक संरचना। जो टेस्टिस है इस टेस्टिस के अंदर भी चलते हैं और इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है और किस तरीके से होता है स्पर्म का निर्माण, और कौन सी ट्यूब है जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस टॉपिक को आगे जारी रखते हैं। तो दोस्तों अब हम टेस्टिस जो है इसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं, और टेस्टिस के ऊपर एक कवर पाया जाता है, और वह जो कवर या आवरण है वह 3 लेयरों से मिलकर बना है। वह 3 लेयर कौन कौन सी हैं,
जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लू कलर से एक परत दिखाई है, एक लेयर दिखाई है, और इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर, तो सबसे बाहर की लेयर को हम ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। और इस ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर चले तो इसके अंदर पाई जाती है, जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाया है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर देखें जो थर्ड लेयर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो टेस्टिस के ऊपर तीन कवरिंग पाई जाती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो लेयर है, जो आंतरिक लेयर है, इस लेयर में ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इस वजह से इसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा भी कहते हैं। तो ये तीनों जो लेयर हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये तीनों लेयर जो हैं मिलके जो टेस्टिस का एक आवरण या कवर का निर्माण करते हैं। और टेस्टिस के अंदर चलें तो आप देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने इनको ग्रीन मार्कर से दिखाया है, टेस्टिकुलर लोब हैं ये। और ये टेस्टिकुलर लोब हैं, एक टेस्टिस के अंदर लगभग ये होते हैं 200 से 250। तो टेस्टिस के अंदर दोस्तों टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं, और टेस्टिकुलर लोब की संख्या एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 होती है। और हमारे अंदर दो टेस्टिस पाई जाती हैं, जो मेल होते हैं उनके अंदर दो टेस्टिस पाई जाती हैं, लगभग इनकी संख्या 400 से 500 होती है। अगर हम एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब में देखें तो इसके अंदर जो रेड मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एक कुंडलित नलिका होती है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब के अंदर पाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है टेस्टिकुलर लोब। और इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर आप देख रहे हैं ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई है मैंने। और एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर लगभग 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर, 2 से 3 पर लोब में होती है। हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब है एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित हो सकती हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, किसी जगह तो मैंने आपको 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को दर्शाया है और किसी जगह मैंने 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को दर्शाया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस की आंतरिक संरचना देखें तो टेस्टिस की आंतरिक संरचना में आपको टेस्टिकुलर लोब प्रेजेंट दिखाई देंगे। और एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर 2 से 3 पर लोब में सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वह उपस्थित होती है। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, मान लो कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स होती हैं, ये निर्माण करती हैं स्पर्म का। कौन सी सेल्स का दोस्तों निर्माण करती हैं, ये स्पर्म सेल्स का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स होती है जो कि स्पर्म का निर्माण करती है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दोस्तों, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये ओपन होती हैं रेटिटेस्टिस में। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब है इसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वह ओपन होती हैं रेटिटेस्टिस में। और रेटिटेस्टिस जो देख रहे हैं, ये रेटिटेस्टिस छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, उनमें ओपन होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटी छोटी ट्यूब हैं, इन छोटी छोटी ट्यूब को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंस। तो हम कह सकते हैं कि टेस्टिकुलर लोब के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वह ओपन होती है रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस जो ओपन होती है वह ओपन होती है वासा इफ्रेंस में। आप इससे आगे देखोगे दोस्तों तो आगे आप देखते हैं कि जो वासा इफ्रेंस है यह ओपन होती है एपिडाइमस में। और एपिडाइमस मैंने आपको बताया था कि एपिडाइमस जो होता है इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर की होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर की होती है। और ये एपिडाइमस है, ये सबसे हाईली कॉइल्ड या सबसे अधिक कुंडलित नलिका है। अब इसके बाद आगे चलें तो एपिडाइमस आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एपिडाइमस को दिखाया है,
इसके बाद आगे देखें तो आगे स्टार्ट होती है वासाई फ्रेंस। तो वासाई फ्रेंस तो हम कह सकते हैं कि टेस्टिकुलर लोब के अंदर सेमनी फेस्टिबुल्स प्रेजेंट, सेमनी फेस्टिबुल्स ओपन होती हैं रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस ओपन होती है वासाई फ्रेंस में, और वासाई फ्रेंस ओपन होती है एपिडेमस में, और एपिडेमस की लंबाई 6 मीटर की होती है और सबसे कुंडलित नलिका होती है एपिडेमस, और एपिडेमस ओपन होती है वास डिफरेंस में। तो दोस्तों हमने इस डायग्राम के माध्यम से और टेस्टिस जो है उसकी आंतरिक संरचना को हमने देखा कि जो टेस्टिस है उसके ऊपर सबसे पहले एक बाहरी आवरण या कवर या लेयर पाई जाती है जो कि तीन परतों से मिलकर बनी है, जिसमें कौन कौन सी परतें होती हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एलुजिनिया, ट्यूनिका बेस्कुलोशा, ये तीनों मिलके टेस्टिंग की जो टेस्टिस है टेस्टिस की कवरिंग का निर्माण करते हैं। इसके अंदर देखें तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिकुलर लोब संख्या में 200 से 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। अगर हम दो टेस्टिस की बात करें तो इनकी संख्या हो जाएगी 400 से 500। और टेस्टिकुलर लोब जो होते हैं इनके अंदर सेमनी फेस्टिबुल्स पाई जाती है, और सेमनी फेस्टिबुल्स है इसके अंदर निर्माण होता है स्पर्म का, और स्पर्म जो है यहाँ से बनने के बाद एंटर करते हैं रेटिटेस्टिस में, क्योंकि सेमनी फेस्टिबुल्स रेटिटेस्टिस में ओपन होती हैं, और रेटिटेस्टिस ओपन होती है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस ओपन होती है एपिडेमस में, एपिडेमस होती है ओपन वास डिफरेंस में। और इससे आगे मैंने आपको इससे पहले वाले डायग्राम में पढ़ाया था कि वास डिफरेंस जो है यह ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल ओपन होती है इजेकुलेटरी डक्ट में, इजेकुलेटरी डक्ट जो है यह ओपन होती है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा जो है वह मीटोस्पोर द्वारा स्पर्म को आउट कर देता है। तो हमने समझा इन डायग्राम के माध्यम से कि स्पर्म का निर्माण सेमनी फेस्टिबुल्स में हुआ, स्पर्म यहाँ से निकले रेटिटेस्टिस में एंटर करते हैं, रेटिटेस्टिस निकल के स्पर्म जो होते हैं ये एंटर करते हैं वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से जो स्पर्म होते हैं ये एंटर करते हैं एपिडेमस में, और एपिडेमस से स्पर्म निकल के एंटर कर जाते हैं वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से स्पर्म पहुँचेंगे सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से स्पर्म पहुँचेंगे इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट के बाद स्पर्म पहुँचेंगे यूरेथ्रा, और मीटोस्पोर द्वारा आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यूस रखते हैं, और जो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है उसको नोट करते हैं। तो दोस्तों टेस्टिस या वृषण जो होता है उसकी जो शेप या आकृति होती है वो ओवल होती है। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जो आकृति या शेप है वो ओवल होती है जो अंडाकार होती है। इसकी लेंथ देखें तो टेस्टिस की जो लंबाई होती है वह होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी विड्थ देखें, चौड़ाई जो होती है वह होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो जो टेस्टिस है उसका आकार ओवल या अंडाकार होता है, उसकी जो लेंथ होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो टेस्टिस होती हैं पुरुष में टेस्टिस वन पेयर या एक जोड़ी पाई जाती हैं जो कि संख्या में 2 होती हैं, और टेस्टिस जो हैं उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक में स्थित होती हैं। तो हम जो कह सकते हैं कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस एब्डोमिन कैविटी के बाहर उपस्थित होती हैं, और कहाँ स्थित होती हैं, स्क्रोटल सैक में उपस्थित होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रोटल सैक या जिसको हम कहते हैं वृषण कोश ताप नियामक या थर्मो रेगुलेटर का कार्य करता है। तो जो स्क्रोटल सैक होता है, क्योंकि स्क्रोटल सैक टेस्टिस के सबसे बाहर की कवरिंग होती है या सबसे बाहर की पाउच होती है, और जो स्क्रोटल सैक है इसका कार्य क्या है, स्क्रोटल सैक का कार्य होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखता है टेस्टिस का, जिससे कि जो शुक्राणु हैं या स्पर्म हैं वो आसानी से बन सकें और उनका मैचुरेशन या परिपक्वन हो सके। तो स्क्रोटल सैक ताप नियामक या थर्मोरेगुलेटर का कार्य करता है। स्क्रोटल सैक में ताप
शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जिस कारण स्पर्म्स या शुक्राणुओं का निर्माण तथा परिपक्वन आसान हो जाता है। तो जो स्क्रोटल सैक है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसमें आसानी से स्पर्म बन जाते हैं और बनने के बाद उनका परिपक्वन या मैचुरेशन भी हो जाता है, आसानी से वह जवान हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, टेस्टिस पर टेस्टिकुलर कैप्सूल पाया जाता है। तो दोस्तों जो टेस्टिस है उसके ऊपर जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो जिस पे पैक रहती है उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक, परंतु जो टेस्टिस है उसके ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को बोलते हैं हम टेस्टिकुलर कैप्सूल। और टेस्टिकुलर कैप्सूल है वह 3 लेयरों से मिलकर बनी है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका बेस्कुलोसा। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि यह आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर यह आपकी टेस्टिस है जो कि गुवर्निकुलम द्वारा अटैच रहती है स्क्रोटम से। अब इस टेस्टिस को यहाँ से निकालें तो टेस्टिस जो है इसकी जो ये लेयर है, ये लेयर भी जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल, इस लेयर को बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। और ये टेस्टिकुलर कैप्सूल जो लेयर है यह भी 3 लेयर से मिलकर बनी है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका बेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनेलिस को हम यौगिक कंचुक कहते हैं और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को श्वेत कंचुक कहते हैं। अब आगे चलते हैं, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस को अगर जब आप इंटरनल सेक्शन काटोगे, इसका इसकी आंतरिक संरचना देखोगे तो इसके अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं इनके अंदर उपस्थित होती है जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स, और जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स जो हैं ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। जैसा कि ये टेस्टिस है, अगर हम इसकी संरचना देखें तो यह टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब है और टेस्टिकुलर लोब के अंदर ये आपकी होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अगर यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को निकालें और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की संरचना देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इस तरीके से होगी। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती है इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के, तो यहाँ इसके अंदर सेल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स की लेयर पाई जाती है और ये जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स जो हैं ये डिवाइड होके फाइनली स्पर्म का निर्माण करती हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स उपस्थित होती है टेस्टिकुलर लोब के अंदर। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर चलें तो इसके अंदर एक लाइनिंग पाई जाती है सेल्स की जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स या इसको बोलते हैं जनन एपिथीलियम कोशिका। तो जनन एपिथीलियम कोशिकाओं की लाइनिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, ये सेल्स क्या करती हैं फाइनली स्पर्म्स का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद टॉपिक को जारी रखते हैं और नेक्स्ट आगे नोट करते हैं। दोस्तों एपिडर्मिस जो है इसको हम अधिप्रेशन कहते हैं और ये वन पेयर उपस्थित होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर एपिडर्मिस जो नली है इसको हम हिंदी में अधिवर्षण कहते हैं और ये वन पेयर होती है, संख्या में 2 होती हैं, क्योंकि टेस्टिस की संख्या 2 होती है इसीलिए एपिडर्मिस की भी संख्या 2 होती है। इसकी जो लंबाई है यह 6 मीटर की लंबाई होती है इसकी और अत्यधिक कुंडलित नलिका है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो एपिडर्मिस है हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है और इसकी लेंथ 6 मीटर की होती है। इसका कार्य जो होता है टेस्टिस से स्पर्म को वास डिफरेंस में पहुंचाने का, रास्ता देने का कार्य होता है। तो जो एपिडर्मिस है ये स्पर्म को कलेक्ट करती है वास डिफरेंस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से स्पर्म रेटिटेसिस में पहुंचते हैं, रेटिटेसिस स्पर्म जो है वास डिफरेंस में पहुंचते हैं और वास डिफरेंस से स्पर्म पहुंचते हैं एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस जो है इसमें स्पर्म पहुंचने के बाद यह स्पर्म ट्रांसफर कर दिए जाते हैं
आगे के लिए कौन सी नली में ट्रांसफर किए जाते हैं? वास डिफरेंस में। इसका जो कार्य है, एक और कार्य क्या है इसका, यह स्खलन या सेमिनेशन से पहले स्पर्म्स को स्टोर करके पोषण प्रदान करती है। तो एपिडाइमस क्या करती है कि जो रेटिटेसिस, इससे स्पर्म वास डिफरेंस में पहुंचते हैं और वास डिफरेंस से जो स्पर्म एपिडाइमस में पहुंचते हैं ये समटाइम्स के लिए स्टोर रहते हैं। और यहाँ स्टोर रहते हैं तो स्टोर रहने के बाद जो स्पर्म है, तो स्पर्म का जो मैच्यूरेशन है, परिपक्वन है, वो भी आपका एपिडाइमस के अंदर ही होता है। जैसा कि लिखा है कि यह स्खलन से पहले स्पर्म्स को स्टोर या संचय करके पोषण प्रदान करती है। तो एपिडाइमस में जो आए हुए स्पर्म है उनको पोषण कहाँ से मिलता है? तो यह एपिडाइमस के अंदर की जो कुछ सेल्स होती हैं जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। एपिडाइमस में स्पर्म का परिपक्वन और मैच्यूरेशन भी होता है। तो एपिडाइमस की लंबाई 6 मीटर की होती है। इसका जो कार्य है, यह स्पर्म को स्टोर करता है और साथ साथ स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, और इसकी सहायता से स्पर्म का जो मैच्यूरेशन या परिपक्वन है वो एपिडाइमस में कंप्लीट हो जाता है। एपिडाइमस से स्पर्म आगे ट्रांसफर होते हैं वास डिफरेंस में, जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, और यह वन पेयर उपस्थित होती हैं, संख्या में यह 2 होती हैं। एपिडाइमस की जो लंबाई होती है यह 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि मूत्रवाहिनी या यूरेटर पर एक फंदा या लूप बनाकर शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से जुड़ जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एपिडाइमस ओपन होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस वहाँ ऊपर से यूरेटर नली के पीछे से होके फंदा बना के आके सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। अब जो असेसरी ग्लैंड है इनकी जो संख्या होती है, असेसरी ग्लैंड संख्या में 3 होती हैं, जिनको हम सहायक ग्रंथियां भी कहते हैं। असेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं? सेमिनल वेसिकल आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और बल्ब यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड आती है। तो असेसरी ग्लैंड में 3 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, यह भी एक ग्लैंड है और ये संख्या में 1 पेयर होती हैं, एक क्योंकि टेस्टिस संख्या में 2 होती हैं, इसीलिए यह भी संख्या में जो सेमिनल वेसिकल हैं यह 2 उपस्थित होती हैं। इनकी जो आकृति होती है ये थैलेनुमा संरचना वाली आकृति की होती है। इसके द्वारा एक हल्का पीला, इसके अंदर से दोस्तों एक हल्का पीला क्षारीय तथा चिपचिपा तरल स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। यह तरल वीर्य या सीमेन का 60% भाग बनाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जो सेमिनल वेसिकल है यह अपने अंदर से एक पीले रंग का जो द्रव है उसका सिक्रीशन करती है, और वह द्रव होता है वह क्षारीय और चिपचिपा होता है। और जो वीर्य होता है, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सेमिनल वेसिकल में जब स्पर्म पहुंचते हैं, स्पर्म पहुंचने के बाद सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल है अपने अंदर से एक पीले रंग का चिपचिपा तरल निकालती है जो कि क्षारीय होता है। और जब स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल का क्षारीय पीले रंग का चिपचिपा तरल मिक्स हो जाता है तो इसको हम सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? हम सीमेन या इसको हम वीर्य कहते हैं। तो वीर्य का जो 60% निर्माण होता है वह आपका सेमिनल वेसिकल में हो जाता है। तो यह तरल वीर्य का 60% भाग बनाता है। इसमें किसमें दोस्तों? जो सीमेन है, जो सीमेन है, और सीमेन का निर्माण किससे हुआ है? सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ जो चिपचिपा तरल है उसके द्वारा। और उस चिपचिपे द्रव में क्या क्या होता है? उसमें दोस्तों फ्रैक्टोस होता है, शुगर होती है, प्रोस्टा लैंडिंग्स होता है, सीमेनोजेलिन होती है, और प्रोटीन उपस्थित होती है। तो दोस्तों जो सीमेन होता है उसमें फ्रैक्टोस पाया जाता है, शर्करा या शुगर पाया जाता है, और प्रोस्टा ग्लैंडिंस पाई जाती है, और इसके साथ साथ सीमेनोजेलिन और प्रोटीन भी उपस्थित होती है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आगे लेक्चर को कंटिन्यू सकते हैं और आगे नोट करते हैं।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्टोज है इसको सेमेनल वेसिकल जो फ्लूड होता है वहां से निकलता है, और फ्रैक्टोज जो है यह स्पर्म को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी सहायता से जो स्पर्म है आगे इजेकुलेटरी डक्ट में ऊर्जा प्रदान करके आगे बढ़ता है। तो फ्रैक्टोज स्पर्म को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण स्पर्म गति करते हैं। यह चारी प्रकृति के कारण योनि मार्ग की अम्लता को समाप्त कर स्पर्म की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सेमेनल वेसिकल है और सेमन वेसिकल के द्वारा जो फ्रूट सिक्रीट होता है तो उसमें फ्रैक्टोज उपस्थित होता है, और फ्रैक्टोज जो है जो स्पर्म जब सेमन वेसिकल में पहुंचते हैं तो उनके पास जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो फ्रैक्टोज का यूज कर स्पर्म ऊर्जा ग्रहण कर आगे इजेक्यूलेट डक्ट में मूव करते हैं, और इस प्रकार जो स्पर्म है वह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो सेमन वेसिकल फ्रूट होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह योनि मार्ग की अम्लता को दूर कर स्पर्म की जो सुरक्षा है उसको भी प्रदान करता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है यह ओनली वन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 से 3 लोब उपस्थित होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में तो वन होती है, परंतु इसके अंदर 2 से 3 लोब या पाली पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा विशेष गंधयुक्त पतला तथा दूधिया रंग का क्षारीय तरल स्रावित होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर से एक गंधयुक्त जो मिल्क जैसा जो कलर होता है इसका, मिल्क जैसा कलर होता है, दूधिया रंग का क्षारीय तरल निकालता है। कौन निकालता है? प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है। यह तरल वीर्य का 25% भाग बनाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 60% भाग तो जो आपकी सेमेन वेसिकल है वहां से सीमेन का बन जाता है, 25% भाग बन जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से, बाकी बचा आपका 15%। तो 15% है वह कॉपर ग्लैंड या बल्बूरियल ग्लैंड के अंदर से जो सिक्रीशन होता है वह बना देती है। इस प्रकार सीमेन का 100% भाग का निर्माण हो जाता है। तो यह वीर्य का 25% भाग बनाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके द्वारा जो निकला हुआ तरल पदार्थ है इसमें फॉस्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन तथा स्पर्मीन पदार्थ उपस्थित होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो तरल स्रावित हो रहा है जो कि क्षारीय प्रकृति का है, इसमें फॉस्फेटेज उपस्थित होता है, सिट्रेट उपस्थित होता है इसमें, इसमें लाइसोजाइम उपस्थित होता है, फाइब्रिनोलाइसिन उपस्थित होता है, स्पर्मीन उपस्थित होता है। तो ये सभी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा क्षारीय पदार्थ सिक्रीट होता है जिसका रंग जो होता है दूधिया रंग का होता है, जब जो यूरेथ्रा का रास्ता अम्लीय हो जाता है तो ये अम्लीय रास्ते को उदासीन करता है जिससे कि स्पर्म नष्ट नहीं होते। अब आगे देखते हैं दोस्तों कॉपर्स ग्लैंड या बल्बूरियल ग्लैंड। यह वनपेयर उपस्थित होती हैं, संख्या में 2 होती हैं। मैथुन के समय यह एक गाढ़ा चिपचिपा तथा क्षारीय तरल पदार्थ निकालती हैं जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है तथा अम्लता को दूर करता है। तो जो कॉपर्स ग्लैंड या बल्बूरियल ग्लैंड है इससे भी क्षारीय पदार्थ निकलता है, और यह गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय तरल है। यह तरल क्या करता है, जो यूरेथ्रा का रास्ता है, मूत्र मार्ग का जो रास्ता है, अगर वह अम्लीय है तो उसको जो क्षार है उदासीन कर उस रास्ते को सुगम बनाता है, जिसकी सहायता से जो स्पर्म है वह आसानी से वहां से निकल जाते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती और स्पर्म डेड भी नहीं होते। यह तरल मादा के योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन क्रिया में सहायक होता है, और जब जो मेल है पेनिस के द्वारा अपने स्पर्म को फीमेल ट्रैक में छोड़ता है तो स्पर्म के साथ साथ जो कॉपर्स ग्लैंड है इसके द्वारा निकला हुआ क्षारी पदार्थ योनि मार्ग में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होता है कि योनि मार्ग या जो वैजाइना का रास्ता होता है वह चिकना हो जाता है, और इससे जो स्पर्म है वह आसानी से मूव करते हैं और मैथुन क्रिया में भी सहायता मिलती है, वहां पर जो फ्रैक्शन है या घर्षण है वह कम हो जाता है। अब इसका टॉपिक लेते हैं पेनिस। पेनिस को बोलते हैं शिश्न, यह मैथुनांग होता है, इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, और जो पेनिस है यह रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, और इसके द्वारा जो है स्पर्म वेजाइनल ट्रैक में छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों
आज हमने लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, और इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मादा जनन तंत्र। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्यारे से नोट्स तैयार कीजिए और अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कीजिए। जय हिंद।